वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th and 10th। तो आज हम सीखेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो मीन स्टार्ट करते हैं। मीन हमारे पास हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो सम हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब जितनी भी हमारे पास वैल्यू है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास नंबर है। हमें इसकी मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर 5 है। 5 से हम डिवाइड कर देंगे, अब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5। कटिंग करेंगे 5 + 5 = 20, तो हमारे पास मीन आ गया 4। तो इसी तरह तमाम वैल्यूज होती हैं, उनको क्या करना है, सिंपल आपने ऐड कर देना जितनी भी वैल्यूज होंगी और उनकी टोटल नंबर को ऐड काउंट करके उन्हें डिवाइड कर देना, तो आपके पास आपका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मीडियन। मीडियन यूज कर लीजिए, मीडियन से निकला है हमारे पास, इसका मतलब जाता है कि मिडल वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल यूज़ की थी 2, 3, 4, 5, 6, अब इसमें हमारे पास मिडल वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो मीडियन है वो भी 4 है। अगर हम और एग्जांपल ले लें, वैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, अब ये हमारे पास 6 वैल्यूज। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है। तो ये फर्स्ट 3 है, ये लास्ट 3 है, अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 6। तो हमारे पास जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 6, हमारे पास मीडियन आंसर आ गया 6, ये हमारे पास होता है मीडियन। अब लास्ट एंड लीस्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है मोड। तो जो मोड है, मोड हमारे पास होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मतलब ये है कि हमारे पास जो बार बार ज़्यादा से दफ़ा आ रही हो वो हमारे पास मोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अगर हमारे पास है 1, 4, 7, 5, 10, 4, 3, 4, 6, 8, 4, अब देखना हमने कि यहाँ पे, और एक और ले लेते हैं 3, अब देखना हमने कि यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। अब देखें यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, 4 दफ़ा 4 आया है और फिर सिर्फ 2 टाइम्स में आया है, तो हमारे पास आ गया है मोड, यहाँ पे 4 है हमारे पास मोड, से हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो थाउजेंड 1, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 5, 1000, अभी हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। तो इससे हम देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा है, फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू है। तो देखें 1000 या 3 दफ़ा आया, तो हमारे पास यहाँ पे जो मोड होगा वो होगा यहाँ पे 1000, तो ये हमारे पास हमारा मोड आ गया, इसका आंसर आ गया। सो ये ऑल्सो कि आपको मेन वीडियो में मोड क्लियरली समझ आ गया होगा, आपको भी समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं आपको इशू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।